बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ औकाफ़ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट के एक पेपर के साथ, और ये इसका दूसरा हिस्सा है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके वो हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, पेपर की जानिब, पेपर शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। What was the name of the Maharaja who reportedly signed the instrument of accession of Kashmir to India? तो दोस्तों, उसका नाम महाराजा राहबर सिंह था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है। Change the voice of the following sentence. Was she sewing my shirt? तो इसका करेक्ट जुमला इस तरह आएगा। Was my shirt being sewn by her? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है। व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज्जतुल विदा द लास्ट पिलग्रिमेज? तो दोस्तों, हुजूरी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज यानी हज्जतुल विदा 632 को अदा किया था। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है। द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर? पाकिस्तान की 1973 के आईन में टोटल 280 दफात है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है। द नेक्स्ट 11 कंट्रीज़ आर 11 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज हैविंग द पोटेंशियल ऑफ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। बिकमिंग सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द 21st सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 33 है। मैनी प्रोग्रामर्स कॉल राइटिंग द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 34 है। द नेम ऑफ कवर ऑफ काबा इज किसवा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है। एडा प्लश इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है। When did पाकिस्तान recognize China? तो दोस्तों, याद रखिए, पाकिस्तान ने चाइना को 1950 में तस्लीम किया था। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है। द फर्स्ट फेज ऑफ द सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल एज सिस्टम डिज़ाइन? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है। इंसेसर्स केनाइंस प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर? तो दोस्तों, ये दांतों के अकसाम है, टाइप ऑफ टीथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द होली कुरान इज एन अनपैराडोनेबल साइन? तो ये शिर्क है व्यूअर्स। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है। फ्रॉम विजर्ड इन एमएस एक्सेस कैन बिल्ड फॉर्म्स दैट कैन डिस्प्ले फील्ड फ्रॉम मेनी टेबल्स? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है। द वर्ड जिहाद मीन्स टू स्ट्राइव? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है। एसिड प्रिसिपिटेशन रिजल्ट्स फ्रॉम ह्यूमन मॉडिफिकेशन ऑफ द कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल्स? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में एक प्रोवर्ब दिया गया है। डोंट काउंट यूर बिफोर दे आर हैच्ड चिकन्स? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है। विच साउथ कोरियन पार्टी वन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन अप्रैल 2020? अप्रैल 2020 में साउथ कोरिया में जनरल इलेक्शन लिबरल डेमोक्रेट पार्टी ने जीता था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 ये खेलों से मुतालिक है। इन विच मंथ पाकिस्तान गॉट नंबर वन पोजीशन इन ICC टेस्ट रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? तो दोस्तों, पाकिस्तान ने पहली मरतबा टेस्ट में पहली पोजीशन अगस्त 2016 में हासिल की थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है। CSS इज एब्रीविएशन ऑफ सेंट्रल सुपीरियर सर्विस? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। जस्टिस सजाद अली शाह वॉज डिसमिस्ड इन 1997 बाय प्रेसिडेंट फारूक लगारी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है। Which Muslim leader left the politics after the cancellation of the partition of Bengal? तो दोस्तों, ये नवाब सलीमुल्लाह खान साहिब थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है। What was the name of DIG Tripak who died in a suicide blast in Lahore during the year
2017। तो ये कैप्टन मुबीन थी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पर ए वी जी ई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फंक्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स इज ब्रॉट अबाउट बाय वास्कुलर एंड कॉर्क कैम्बिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम। तो यहाँ पर ओब्लिवियन ये वर्ड दिया गया है। व्यूअर्स, ओब्लिवियन का मतलब भूलना या फरामोश करने के है। इसका करेक्ट एंटोनिम बनेगा अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है बेदार या बाखबर होना। क्वेश्चन नंबर 53 है, वेयर इज क्रिस्टल मास्क मस्जिद क्रिस्टल सिचुएटेड। तो व्यूअर्स, क्रिस्टल मास्क ये मलेशिया में वाक़ है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हु वाज़ द कमांडर ऑफ द इंपीरियल्स इन द बैटल ऑफ उहद। ग़ज़वे उहद में कुफार की कमांडर अबू सुफियान थी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, लेगस इज़ अ फेमस सिटी ऑफ नाइजीरिया। लेगस ये नाइजीरिया की एक मशहूर शहर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच कंट्री रिसीव्ड द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ WTO इन 2020। तो ये तुर्कमानिस्तान थी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, रेड केल अनजस्टली इंक्लूडेड गुरदासपुर पठानकोट बटाला तहसील ऑफ पंजाब इन इंडिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ओनली एस्ट्यूट पॉलिटिशियंस कैन मीट दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर एस्ट्यूट का मतलब श्रीउड यानी शार्प के है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन कंप्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट्स। तो व्यूअर्स, इसको ब्रिज कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक है। हमारे पास आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, ये मैथ्स का है। इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16 देन। तो व्यूअर्स, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हल करूँगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा एक्स इज इक्वल टू 11 एंड वाई इज इक्वल टू 5। तो व्यूअर्स, ये रहा अवकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट टेस्ट का दूसरा हिस्सा। इंशाल्लाह इसका बाकी पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।